वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बस बन फिर एक दिन काम हुई फिर आई अच्छा ही पहले लेकिन वो मैं फिर बाबे ने पूछा मैं की गल कितने पैसे हो गए सर आज तो वेला पे लग रहे आपका इतना हो गए सिर्फ 200 रुपए मेरे लायक तो फिर मैं चेक कर दूं आपको नहीं नहीं
वो छोटा सा नहीं अभी अच्छा भैया ने दे दे ठीक है भैया ठीक हो गए ना चला गया तो दुकान पर है चलो रख दो ये वालेकुम अस्सलाम।
मेरा नाम है नईमुल इस्लाम। सर ये कितना पुराना आपका सेटअप है? ये सेटअप है जी 58 तकरीबन 58 साल हो गए। शुरू से आप ही लगा रहे हैं या पहले आपके वाले? नहीं, पहले हमारे वाल साहब हुआ करते थे, वो लगाया करते थे, फिर वो जब तबीयत उनकी ख़राब हुई तो फिर मैंने लगानी शुरू कर दी। तो ये सर आपके पास कौन सी हलीम है? ये बीफ की हलीम होती है भाई जान। अच्छा जी, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है। रेसिपी तो ज़ाहिर है पहले जो चला करती थी ना, ये वही रेसिपी आ रही है पुरानी। आजकल जो है ना चेंजिंग हो गई, कर दी है लोगों ने, कोई कुसी लीम आ गई, कोई कैसी लीम आ गई। बहरहाल रेसिपी का जो है ना, टेस्ट का जो है ना, वो मैं ये कहूँगा कि मैं जब ये बनाने शुरू करता हूँ तो अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक टेस्ट के डालने वाली तेरी ज़ात पाक है। ये वही टेस्ट डालती है, मैं नहीं डाल सकता, मैं मेरी इतनी औकात ही नहीं है इसको मैं करूँ। जितनी इज्जत अल्लाह पाक ने दी है सब अल्लाह पाक की दी हुई। तो सर ये हमारे देखने वालों को बता देंगे कि भैया आप किस जगह पे है ये आपका सेटअप? हाँ जी, मैं बैठा हूँ नारकली। अगर माल की तरफ से आप नारकली की तरफ एंटर होंगे ना, न्यू नारकली की तरफ, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने सुबहान फैशन वेयर के आगे बैठा हुआ हूँ। और अगर आप लोहारी की साइड से नारकली की तरफ आएंगे, न्यू नारकली से माल की तरफ जाएंगे, तो फिर वही आ जाता कि वो न्यू नारकली क्रॉस करें सारी और यूनिवर्सिटी की दीवार के सामने। सर कितने बजे आप आ जाते हैं, कितने बजे तक आते हैं? मैं आता हूँ आज 7:15 और तकरीबन 10:30 11:30 कभी 10:15 भी फारिग हो जाता हूँ। ये आजकल की टाइम। तो सर ये कितने की प्लेट आप देते हैं? अभी तो फिलहाल मैं 90 की दे रहा हूँ, मगर मैं सोच रहा हूँ ईद के बाद जो है ना 100 की कर दूँ, क्योंकि महंगाई जो है ना काफ़ी, गोश्त भी महंगा हो गया हुआ है।